एक पूरी मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, आज पूरा जायजा लिया जा रहा है, कहां कहां कौन कौन से पोलिंग बूथ पर जो सेंसिटिव हैं, वनरेबल्स हैं, वहां पर किस तरह की वेबकास्टिंग और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को देखना है उसको लेकर भी पूरी तैयारियां और पूरी टीम किस तरह से काम कर रही है। पूरा एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, वेबकास्टिंग कमांड कंट्रोल रूम, चंडीगढ़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये पूरा वेबकास्टिंग कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। एक एक पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें, पूरा वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरे और उसके साथ साथ क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है उसको लेकर भी काफी अरेंजमेंट्स इस बार चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे साथ हैं। सर, क्योंकि काफी चीजों को लेकर, चाहे लॉ एंड ऑर्डर्स हो, चाहे क्योंकि गर्मी का मौसम है, उसको लेकर भी ये पूरा मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, किस तरह से खास रहने वाला है? आपने जैसे बताया कि वेबकास्टिंग कमांड कंट्रोल सिस्टम है, बेसिकली चंडीगढ़ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में हम 100% इसको कवर कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो हमारा मोटो है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, तो जिसके कारण हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे कि हमारी एग्जैक्टली पोजिशन क्या है, कितने लोग आ रहे वोटिंग को, कितनी क्यू लग रही है, क्या सिस्टम शांति से हो रही कि नहीं हो रही, कोई पोलिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट जो भी है यहाँ पे बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, टाइमली मॉक पोल हुआ कि नहीं हुआ, मुझे इलेक्शन के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो भी प्रोसेस है सर हम लोग यहाँ से मॉनिटर करेंगे। सर, चंडीगढ़ एप्लीकेशन भी एक ऐप भी बनाया गया है जिसमें क्यू को लेकर, चंडीगढ़ सीवीसी के नाम से, उसका किस तरह से रोल रहे? बेसिकली आपने देखा जैसे बताया कि गर्मी काफी है तो हम चाहते कि यहाँ वोटर टर्नआउट ज्यादा रहे, तो इस चक्कर में हमने एक ऐप बनाया जिसमें हमने लोगों को एक एक्सेस दिया कि आप हर 30 मिनट्स में वो देखें कि हमारे अपने पोलिंग स्टेशन पे कितनी लाइन है, जिससे वो 30 मिनट्स में हर अपडेट हो जाएगा तो अपनी लाइन का पता लग के वो अकॉर्डिंगली जा सकेगा। तो दिस इज एन एफर्ट कि जिससे हम लोग अपना इलेक्शन प्रोसेस को एक्सपेडिट करें, वोटर टर्नआउट ज्यादा हो जाए। सर, जो सेंसिटिव वनरेबल जो पोलिंग स्टेशन है उसके लिए कुछ खास तैयारियां? बेसिकली 139 हमारे पोलिंग स्टेशन जो सो कॉल्ड वल्नरेबल है उसके लिए, तो वैसे तो हमने सारी, हमारे पास 5 कंपनियां भी आ गए, पुलिस फोर्स भी है, इसके अलावा हमने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए तो जिसके कारण, और सीसीटीवी कैमरा या वेबकास्टिंग तो 100% है, तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हमारे सेक्टर ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट भी वो रोम घूमते भी रहेंगे, इसके कारण हम लोग मैनेज कर जाएंगे सारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर में और हमें पूरी गारंटी के हम लोग अच्छा इलेक्शन कर पाएंगे। सर, जो 614 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उसकी पूरी मॉनिटरिंग यहाँ से की जा चुकी है, जो वेबकास्टिंग कमांड कंट्रोल? जी, यहाँ से पूरी 614 बूथ है उसकी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आई थिंक वी विल मैनेज इट वेरी वेल एंड इलेक्शन अच्छा तरह से हो जाएगा। सर, कई जगह अगर बाई चांस कोई बूथ कैप्चरिंग की या इस तरह की कोई घटना आती उसको लेकर जो है वो किस तरह की मॉनिटरिंग या उसको लेकर किस तरह से तैयारियां? बेसिकली देखिए, हर 10 से 15 पोलिंग स्टेशन के पीछे एक सेक्टर ऑफिसर है, सेक्टर ऑफिसर के साथ एक पुलिस अपना पर्सनल भी जो टीम रहेगी, तो कोई भी बूथ रहेगा हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसके अलावा पुलिस की अपनी टीम्स है, इसके अलावा कंपनीज भी हमने कर ली है, तो इसके कारण हम लोग ऐसा कोई इंसिडेंस इजिली मैनेज जाएंगे। वैसे भी चंडीगढ़ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी नोन फॉर द पीसफुल इलेक्शन है सर, क्योंकि हीट वेव जैसे आपने बताया गर्मी का मौसम, उसको लिए अरेंजमेंट किस तरह से किए हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हों चाहे वो जो लोग वहां पर आ रहे हैं? हमने पूरे पोलिंग स्टेशन में शेड्स किए, इसके अलावा हमने क्यूज लगाई, 2 क्यूज तो मेल एंड फीमेल किए, एक सीनियर सिटीजन या पीडब्ल्यूडी के लिए है, इसके अलावा हमने वेटिंग रूम बनाए, फर्नीचर्स लगाए हैं और वहां बीएलओ भी बैठेगा जो क्यू को मैनेज करेगा और वहां पे पानी का अलावा हम लोग मेडिकल किट भी रख रहे हैं। तो कहा जहां भी कोई जरूरत पड़ेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन इज 100% श्योर टू मैनेज दिस। सीनियर सिटीजन या डिजेबल पर्सन के लिए कुछ खास अरेंजमेंट किए गए हैं? नहीं, पहले तो हमने, तो आपको पता ही होगा कि हमने होम वोटिंग के प्रोविजन उनके दिए, इसके अलावा हमने व्हील चेयर्स रखी है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी रखी है, आपको पता होगा इवन ब्रेल पेपर भी हमने वहां रखे है, तो बीएलओ एंड हमारे मेन एनएसएस वॉलंटियर्स भी है, वो उनको हेल्प आउट करेंगे वोट करने के लिए। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया, पॉइंट टू पॉइंट जितने भी जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके पूरे नाम, एरिया जो पोलिंग स्टेशंस के हैं चंडीगढ़ में कहां कहां पर लगाए हैं, कौन कौन से स्कूल्स में हैं, सभी की मॉनिटरिंग जो है ये वेबकास्टिंग कमांड कंट्रोल रूम जो बनाया गया है ये पूरा, इनकी एक पूरी टीम काम कर रही है, पूरी मॉनिटरिंग होगी और सीनियर अधिकारी पूरा जो मॉनिटरिंग करेंगे। और तस्वीरें देखिए कि पूरा एक एक पॉइंट पर इनकी जो पूरी टीम है वो काम कर रही है और एक एक पॉइंट पर सारी चीजों को लेकर जो है वो किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, मुझे टीम पंजाब।